नमस्कार वर्गो, वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की थ्री कार्ड क्लेरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये रीडिंग 10 से लेकर 17 मार्च तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे कि वर्गो और उनके पर्सन एक दूसरे से के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए वर्गो देख लेते हैं सबसे पहले कि जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए फीलिंग्स राइट नाउ। वर्गो जो आपके पर्सन हैं उनको वो अभी स्टक एनर्जी में है। वो उनको वही, क्योंकि उनको बार बार लग रहा है कि उन्हें वही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में जो जा चुका है। तो उनको लग रहा है कि ये जो स्टक एनर्जी का रीजन रहा है, जो कारण रहा है, वो वर्गो की वजह से है। उनकी वजह से वो परेशानी और दुविधा में है। हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी है, लेकिन वो और ऑप्शन नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। वो आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जो आप हैं आप उनका वेट और इंतजार कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरे ऑप्शन को नहीं देखना चाहते हैं। द लवर्स, द हैंग्ड वन एंड थ्री ऑफ कप्स। तो उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता जो है वर्गों की वजह से रुका है, जो हैंग हो चुका है, रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उनको लग रहा है कि अब उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, और उनको कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि इसमें बहुत डीप वाला प्यार है, बहुत गहराई, मतलब बहुत अच्छा प्यार है। लेकिन इस प्यार के साथ साथ एडिक्शन और अट्रैक्शन भी हैं, जिस लस्ट भी हैं, जिस वजह से जो ये अट्रैक्शन है, जो ये प्यार है, ये अट्रैक्शन की वजह भी इसका रीज़न हो सकती है। क्योंकि कई लोगों का स्वभाव होता है कि दूसरे की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होना। हालांकि गलत नहीं होते, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि दूसरे से बातें करने का जो तरीका है, जिससे पार्टनर को महसूस होता है कि ये इनका इनके साथ कोई अच्छा संबंध नहीं है। तो इस तरह की नेगेटिविटी कई बार दिमाग में आ जाती है, तो जिस वजह से परेशानी होती है। तो अब जो है और उनको लग, या फिर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो किसी और से प्यार करते हैं, उन किसी और से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई जो घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, बॉस, जो जहां वो काम करते हैं, हो सकता है कि उनकी वजह से ये इतना प्यार, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी वजह से नेगेटिविटी आ रही हो। तो इन सब के होते हुए भी वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर, या फिर जो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है उस कन्फ्यूजन से वो बाहर निकलना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो उनका नज़रिया चेंज होगा और पॉजिटिविटी आएगी। तो या तो अपना नज़रिया चेंज करते हुए या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों, इस रिश्ते के बारे में वो देखने के बारे में सोच रहे हैं, और वो आपके साथ बिना इधर उधर भटके एक डिसीजन लेना चाहते हैं, समय रहते डिसीजन लेना चाहते हैं। इसलिए आपके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ इस तरह का वो महसूस कर रहे हैं कि अगर आपके साथ इस तरह की बातें हो जाती हैं तो धीरे धीरे करके जो है, जो वो स्टक एनर्जी में है, जो परेशानी में है, वो बाधाएँ, रुकावटें, दिक्कतें दूर हो सकती हैं। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं। तो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए वो, उनको महसूस हो रहा है कि वर्गों के साथ उन्हें, उनकी अगर एक ये डील हो जाती है, यानी कि एक दूसरे से बातें हो जाती हैं, तो ये सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे और ये परेशानी दूर हो जाएगी। देख लेते हैं आप क्या महसूस करते हैं वर्गों, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
सडनली अचानक से कुछ ना कुछ आप भी आपने डिसाइड किया कि आप जल्दी से आगे बढ़ेंगे और जो ये कन्फ्यूजन जो परेशानी दिक्कतें हैं शायद इनको आप ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप कोई अच्छा डिसीजन लेंगे तो शायद जो चीज़ें जो परेशानी आ रही है वो सारी ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा या तो आप कर रहे हैं या तो आपके पर्सन भी ऐसा कर सकते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। जी वर्गो, आप महसूस कर रहे हैं कि जो आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, जिस चीज़ को लेकर ये रिश्ता भारी भरकम हो रहा है, बोझिल हो रहा है, हालांकि हो सकता है कि आप अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हों, अभी भी उस परेशानी को ना भुला पाए हों, लेकिन उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को मतलब मूव ऑन करते हुए, आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, आपने अचानक से सडनली डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और इस परेशानी में नहीं रहेंगे और उनका सपोर्ट लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे कि इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ना है ताकि ये रिश्ता जो है सोलमेट बन सके, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। तो इसलिए आपने सडनली डिसाइड किया है कि उन चीज़ों से मूव ऑन कर लेना चाहिए जो इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, और परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि परेशानी ख़त्म हो सके। तो ऐसा आप अपने आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या जो आपके पर्सन हैं हो सकता है कि उनके बारे में आप ऐसा सोच रहे हो कि उन्हें ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं। वर्गों के पर्सन चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को बर्डन या बोझ ना माने, बल्कि इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो रिश्ता उनके लिए बोझ बना हुआ है, बर्डन बना हुआ है, वही रिश्ता उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो क्योंकि वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील किया जाए, वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं क्योंकि इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, और वो क्योंकि उनको इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो उनकी खुद की बनाई हुई है, जो आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं या फिर जकड़न महसूस कर रहे हैं, तो वो आपसे उनको लग रहा है कि आपकी उनसे बातें नहीं हो पा रही हैं, या तो आप नहीं कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं, या दोनों दोनों तरफ से ही बातें नहीं हो रही हैं। तो वो चाहते हैं कि बजाय के भारी इस वाद विवाद करने के, इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस बढ़ाने के, एक दूसरे से अगर आपस में बातें कर ली जाती हैं तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। और वो इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि ना तो रिश्ता वर्गों की वजह से ख़त्म हुआ, ना ही उनके पर्सन की वजह से ख़त्म हुआ, दोनों तरफ से ही रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। तो इसलिए वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को जो है उनके पार्टनर को एक मौका और देना चाहिए, यानी कि वर्गों को एक मौका और देना चाहिए। अगर दोनों इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे तो ये जो बर्डन और बोझ लग रहा है, ये रिश्ता जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको लग रहा है कि वो उठा नहीं पा रहे हैं, तो अगर परिवार और फैमिली के साथ मिलकर इन जिम्मेदारियों को स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके उठाएंगे तो वही बर्डन उनके लिए एक आगे बढ़ने का जरिया बन सकता है, यानी कि वही जो परेशानी उनको लग रही थी वही चीज़ें उनको एक अलग खुशी दे सकती हैं, यानी कि इस रिश्ते को स्टेबल बनाने में मदद कर सकती हैं। तो इसलिए वो अभी चाहते हैं कि ये रिश्ता हील किया जाए, और चुप्पी और खामोशी के साथ अगर वो हील करेंगे तो ये रिश्ता फ्रूटफुल और स्टेबल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते की जिम्मेदारियों को समझें और उनके साथ मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देखते हैं वर्गो आप क्या चाहते हैं।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन के साथ अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है अगर आपस में खुलकर बातें की जाती हैं, क्योंकि आपको बार बार एहसास होता है कि जो भी उनके पार्टनर काम करते हैं, जो उनका काम करने का अंदाज है, वो आप बहुत पसंद करते हैं, वो बहुत खूबसूरती से करते हैं और अच्छे से अंजाम देते हैं। तो इसलिए आप वर्गो इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी रही है, जो परेशानी रही है, जिससे आप काफ़ी परेशान और दुखी हैं, जो तनाव है, तो उस तनाव से मुक्त होने के लिए आप हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, थोड़ा सा रेस्ट और आराम करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे से बातें करते हैं। तो जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी है, खुलकर अगर बातें करते हैं तो आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि भले ही वो पैशन और जुनून के साथ अपना काम करते रहें, लेकिन नेगेटिविटी जो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, यानी कि जो फ़ायदे और नुकसान हैं उसके बारे में सोचें, और आप उनसे चाहते हैं कि वह आमने सामने खुलकर एक दूसरे से बातें करें, क्योंकि आमने सामने खुलकर बातें होंगी तो क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, जो भी गिले शिकवे होंगे, जो भी परेशानी होगी, वो सारी ख़त्म होंगी और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। इस रिश्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो इसलिए वो आपसे अभी भी क्योंकि जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो थोड़ा सा इस रिश्ते को हील करने के बाद फिर से शुरू से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो दूर रहते हैं तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर अगर उनके पास रहते हैं तो वो चल कर आएँ और उनसे खुल कर बातें करें, ताकि ये रिश्ता सोलमेट बन सके, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अभी भी प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन लगाव है। तो इस रिश्ते को आप सोलमेट बनाना चाहते हैं और खुशियों में तब्दील करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी जुड़ा हुआ अटैचमेंट फील करते हैं दोनों ही। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, 10 से 17 तारीख के बीच में इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकते हैं। अभी हो सकता है कि जो दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन रही है, जो आंखों पर पट्टियां बांधे हुए थे, आप क्रॉस मार्क पे थे, तो आप उससे कोई सच, कोई ऐसी बात आपको सामने आ गई है जो आगे बढ़ने में मदद कर रही है, तो आप उस कन्फ्यूज़न से, उस परेशानी से, उस दिक्कत से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। और आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप इस परेशानी से, इससे बाहर निकलते हुए दिल और दिमाग दोनों से काम लेंगे, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आप इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे। ये डिसाइड करेंगे कि अब आगे जाकर इस रिश्ते में कोई परेशानी नहीं होगी, फिर से इस रिश्ते में जो मिसअंडरस्टैंडिंग रही है या जो भी परेशानी रही है, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अब इस रिश्ते में वो शादी करने के लिए या आगे इसमें रिकॉन्सिलेशन करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और वो या तो वर्को या तो आपके पर्सन, कोई एक जना, या हो सकता है कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाने वाले हैं। और ये जो क्रॉस मार्क में लटके हुए थे, अदर में लटके हुए थे, तो उन्होंने डिसाइड किया है सोच विचार करके कि बहुत हो गया है, अब इस कन्फ्यूज़न में और नहीं रहना है, इस रिश्ते को स्टेबल बनाना है, खुशहाल बनाना है, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिलती दिखाई दे रही हैं। तो इस कन्फ्यूज़न से बाहर आइए और आगे बढ़िए, ये रिश्ता फिर से आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, यानी कि स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, और नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिलती दिखाई दे रही हैं। इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अगर आप आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए रुक कर सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, ये मन बना लेंगे कि आपको आगे बढ़ना है, तो हर तरह से खुशी आपको मिल सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या रहेगी।
जी यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि जो ये स्ट्रेंथ द मून फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप सचमुच इस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं तो आप करेज हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकाल दिए दीजिए। ऑनेस्टी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर आपके पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, इसमें क्लैरिटी नहीं है। ये आपके अननोन फियर हैं, यानी कि जो आप ऐसे सपने देख रहे हैं जो आपको डरा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में ला रहे हैं। तो बजाय कि एक इनके डरावने सपनों से जो अननोन फियर हैं उनसे डरने की बजाय आप आमने सामने हों, आमने सामने खुल कर बातें करें ताकि जो भी इसमें अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो वो क्लैरिटी आ सके, ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सके और वो प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाए। तो आपको चाहिए कि बजाय के लड़ाई झगड़ा करने के आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, जो अननोन फियर हैं उनसे आप नहीं डरेंगे, नहीं घबराएंगे, उन चीज़ों से आप बाहर आएंगे और किसी बाहर वाले पर्सन की बातें नहीं मानेंगे। आप दोनों आमने सामने आकर क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर ऑनेस्टी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ सच्चाई का साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स भी आपको ब्लेस करेंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और जो गिले शिकवे हैं वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होंगी। अगर आप थर्ड पार्टी में भी हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप उसको छोड़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आप आगे किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे, इस भावना के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कन्फ्यूज़न और ये दिक्कत बाहर आ सकती है। लेकिन अगर आप सच्चाई का साथ नहीं देंगे, फिर से झूठ बोलेंगे, तो ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद और रिश्ते में पनौती बाधाएं रुकावटें दिक्कतें फिर से आ सकती हैं। तो सच का साथ देना है, दिल और दिमाग से काम लेना है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। अदरवाइज अगर आप झूठ का साथ लेंगे तो रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।